बैतूल जिले में सड़क हादसे की घटना सामने आई है। यहां लाखनवाड़ी से लौट रहे श्रद्धालुओं का ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक केंद्र पहुंचाया गया। लाखनवाड़ी से लौट रहे ट्रक टोल बचाते हुए तेज रफ्तार से गधराजेरी मार्ग से जा रहा था, तभी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रक में सवार श्रद्धालुओं के बीच चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने ट्रक में फंसे लोगों को बाहर निकाला और इलाज के लिए भैंसदेही स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। ट्रक में कुल 32 लोग सवार थे, जिसमें से 12 महिला, 2 पुरुष, 5 बच्चे घायल हुए हैं। दीदी आपका कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली। कहाँ से आ रहे थे? लाखनवाड़ी। कैसा, क्या घटना घट गई? कहाँ पर? आपको कहाँ कहाँ चोट लगी है? और कहीं इसके अलावा? और कितने लोग थे लगभग उसमें? बहुत 40-45। कितने लोगों को चोट आई होगी? सबको आई है। कोई मतलब ऐसा तो नहीं हो, कोई नहीं आई, मतलब ऐसा कोई ज्यादा घायल वायल तो नहीं हुआ ज्यादा? कौन सी रिया थी? बच्चा इतना बड़ा, उसका यहाँ से पूरा फट गया। लगभग कितने बजे घटना थी? 12:30। अच्छा, आपका ट्रेन भी था बोले 2 बजे के लगभग, अब तो मिस हो गया होगा। दोपहर में 2:30 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि आयशर जो दिल्ली पासिंग है, उसमें कुछ यात्री बैठ के बैतूल की ओर जा रहे थे, गधराझिरी की ओर से, जो लाखनवाड़ी चांदूर बाजार के पास एक धार्मिक स्थल है, वहाँ आए थे। ये लोग सारे दिल्ली के थे, जिसमें 32 लोग थे। वह ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा है, जिसमें 12 महिलाएं, 5 बच्चे और 2 पुरुष घायल हुए, जिन्हें अस्पताल इलाज हेतु भर्ती करवाया गया है, और उनकी सूचना पे जो अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। सर, क्या मौके से कोई ड्राइवर को क्या सर पकड़ा गया है? मौके से ड्राइवर भाग गया है। सर, क्या इसमें किसी कोई मृत्यु तो नहीं हुई? नहीं, ऐसे गंभीर चोटें तो किसी को नहीं आई, लेकिन फिलहाल इलाजरत है। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।